चलो भाई। एक बार चेक करना ग्रुप पे लिंक आ गई क्या। डन, शुड बी स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चालू करें क्या? अच्छा सुनो ना दादा, सुनो ना, तुम्हारा हो गया है क्या? चलेगा? नहीं तो मैं मेरे ऑनलाइन वालों को पढ़ा दूं, चलेगा? आपका ऐसे भी हो चुका है तो तुम चले जा सकते, चलेगा? एनी वेज आई डोंट थिंक सो योर गाइज आर इंटरेस्टेड, चलेगा? डन, बाय बाय, टाटा, सब लोग चलो। डन, जिसको पढ़ना है वो बैठो, बस बाकी काम खत्म। ऐसे भी आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल कि आपको पढ़ाना ही है, ठीक है? जिसको पढ़ना रहेगा वो पढ़ो, बाकी आई विल कंटिन्यू विद द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है? चलेगा? जिसको जेन्युइनली पढ़ने में इंटरेस्ट है वो ही बैठो, सिंपल लैंग्वेज। डन, जय सियाराम। चालू करें भाई, चल रहा है क्या ये? स्क्रीन विजिबल है? मैथ्स में भी साइज इतना ही रहता है कि कम रहता है? अकाउंट्स में सिर्फ कम होता है, बाकी बराबर रहता है। अकाउंट्स में छोटा हो जाता है, बाकी सब में बड़ा रहता है। चल जय सियाराम, चालू करें भाई। अच्छा ठीक, आप एक चीज वापस एक बार अच्छे से, मैं एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके में बता देता हूँ। जेन्युइनली आप इसको ऐसा कुछ मैंडेटरी मत समझो कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाना है, ठीक है? इट्स आर चॉइस, हम पढ़ा रहे वही फ्री ऑफ कॉस्ट रिविजन मैच वाला। जिसको जेन्युइनली इंटरेस्ट रहेगा वो ही बैठो, यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है। कोई नहीं भी आया ना, मैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा दूंगा, बात खत्म, ठीक है? यहाँ पे किसी को कोई कंपल्शन नहीं है। आप आना चाहते हो तो आप आइए, बट प्लीज मेक श्योर कि यू आर इन अ डिसिप्लिन मोड फॉर थ्रू आउट द डे ऑल 4-5 लेक्चर्स, ठीक है भाई? चलेगा? आपको बाकी टाइम मिलता है ना, ब्रेक, खाना पीना, वो सब यू कैन डू व्हाट एवर यू वॉन्ट इन दैट ब्रेक टाइम। अगर कोई पर्टिकुलर फैकल्टी कोई पर्टिकुलर टाइम पे आ गई है तो फ्रॉम दैट टाइम टिल द एंड ऑफ द लेक्चर, अगर आपको आपके पर्सनल कुछ डिस्कशन है जो कि मोर देन इंपॉर्टेंट रहेंगे, मोर देन दिस लेक्चर, तो यू कैन गो आउटसाइड, डू वट एवर यू वॉन्ट। आई एम नॉट एट ऑल आंसरेबल टू यू एंड योर फैमिली। डन, सिंपल। किसी को कोई प्रॉब्लम रहेगा तो यू कैन टेल मी क्लियरली अप फ्रंट, राइट? जिसको पढ़ना है वो ही बैठो यहाँ पे, बाकी सब लोग जा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें उतनी मेहनत करनी है। एक भी स्टूडेंट पढ़ने वाला रहेगा ना ऑनलाइन वाला, मुझे उतना ही पढ़ाना है, मेरी उतनी आवाज जाने वाली है, मेरा उतना ही स्पीकर सिस्टम ये सब यूज होने वाला है। बाकी आप कोई भी नहीं आया ना तो भी क्लास चलेगी, किसी के लिए क्लास रुकती नहीं है, राइट? चलेगा? तुमको ऐसा लगता रहेगा इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच, सॉरी आई एम नॉट दैट पर्सन, ठीक है? यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। मैं सिर्फ उनको पढ़ाने आया हूँ, यहाँ पे जो पढ़ने आया है दैट्स इट। बाकी तुम्हारा टाइम पास, डिस्कशन, ये वो ऐसा कुछ रहेगा तो जयराम जी की। चलेगा? पढ़ाई करना है क्या? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अरे बोलना पड़ता है कभी कभी, बहुत हो जाता है ना कभी कभी। हंसी मजाक, हंसी मजाक में सबको लगता है क्या है, अपने तो है, देख लेंगे, ठीक है? वो ट्रायल एंड एरर वाले मोड में अभी भी माइंड जोन रहेगा तो थैंक यू सो मच, कंसिडर दिस एज योर लास्ट डे। डन, चालू कर दे सर, बस और गुस्सा मत करो। अरे ऑनलाइन वालों तुमको कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे हमको संभालना पड़ता है, चलेगा?
चलो बता, डन। सीए फाउंडेशन का हमारा कितना हो गया था, फर्स्ट चैप्टर खत्म क्या? वो तो अभी लास्ट वो ही बचा है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला, दैट आई विल नॉट टीच। लास्ट तक हमारा हो गया था ना, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट हो गया था क्या? अरे यस ना, बोलो ना, सब लोग अभी सीरियसली पढ़ेंगे क्या? जस्ट आधा घंटा इज्जत से पढ़ लो, चलेगा मेरे को, ठीक है ना? एक घंटा भी इज्जत से पढ़ा तो भी चलेगा, राइट? डन। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था, ये सारी चीजें कल हमने ये सब देख लिया क्या? जॉब क्रिएटर, नॉट सीकर, प्रोवाइड मोमेंटम, इन्वेस्टमेंट, गेस्टेशन, सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, ये सोशल, प्लानेट, प्रॉफिटेबिलिटी, आर वी डन विद दिस? सब लोग साथ में हो गया मैडम? करे चालू तबे, ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? सही दुख रहा है, चलेगा। कंसेप्ट इलेबरेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, अभी ये इतना सा एक टेबल देख लेते हैं फिर क्लोज करते हैं। सुनो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनिक, सोशल, लीगल, सुनना, ये क्या बोला गया है कि बिजनेस के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट? बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस क्यों स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? जनरली बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस करने का? प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब प्रॉफिट मतलब भी क्या, मैं उसको इकोनॉमिक बोल सकता हूँ? जहां पे पैसे की बात आई वो इकोनॉमिक हो गया? अरे सब लोग साथ में हो क्या? यस। अरे एक मिनट, मैंने अगर कुछ बोल दिया तो इट डजंट मीन कि एक घंटा मैं खराब आदमी हूं, ठीक है ना? तो अभी हो जाओ नॉर्मल, चलेगा ना? चलेगा ना? हमारे आपके लिए एक पर्टिकुलर सेशन रहेगा, हमारे लिए दिन भर का 10 घंटा है, ठीक है ना? अलग 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 सब्जेक्ट दिन भर, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, फाइनल के 6-6 लेक्चर, ये सब चलते रहता है, ठीक है ना? तो हमारे लिए सब नॉर्मल है। तो एक मिनट, मैंने अगर कुछ बोल दिया डजंट मीन कि मैं एक घंटे के लिए पूरा खराब आदमी हूँ, बहुत अच्छा आदमी है मैं, ठीक है? चलो इधर आ जाओ। चलो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहेगा? अर्निंग प्रॉफिट, चलो प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, ये तो क्लियर हो गया ना? तो सेल्स, प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एफिशिएंसी, ये सब कुछ किस में आएगा? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में। सर 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 सर, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? व्हाट डू मीन बाय ऑर्गेनिक लेवल पे मुझे कंपनी को ग्रो करना है, ऐसा आपने सुना रहेगा ना? व्हाट डू मीन बाय ऑर्गेनिक? सर मेरे कंपनी का गोइंग कंसर्न कभी हिट नहीं होना चाहिए, समझा? ऑर्गेनिक में आप गोइंग कंसर्न की बात कर रहे हो क्या? अरे यस और नो, करेक्ट है ना? मतलब ही आप किसकी बात कर रहे हो? ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, कैपेबिलिटी, फिटनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, रिजर्व कैपिटल जनरल, हेल्थ ऑफ हेल्थ, एज ऑफ एसेट, फिटनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, सर्वाइवल, यही सारी चीज है। अच्छा समझो, सर बेचारे बच्चे डर गए। अरे कुछ नहीं रे, तुम तुम्हारा ऑनलाइन वाला, तुम तुम्हारा ध्यान दो, चलेगा? इधर ध्यान। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या आएगा? कंपनी का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सीएसआर सुना है आपने? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सुना है ना कंपनी को? वो आएगा आपको सीए इंटर लॉ में डिटेल में, 2% प्रॉफिटेबिलिटी का उतना खर्चा करना पड़ता है, वो सब सुना रहेगा आपने। वो पैसा किधर यूज हो रहा है? खुद के घर पे उसको अगर घर का कंस्ट्रक्शन करना है डायरेक्टर को, तो वो सीएसआर का पैसा उधर यूज कर सकता है ना? क्यों? पर्सनल पर्पज, उसको अगर घूमने फिरने जाना है तो वो सीएसआर का पैसा लेके जा सकता है ना? क्यों? कंपनी के पर्सनल पर्पज को भी नहीं, डायरेक्टर एम्प्लॉय के पर्सनल पर्पज को भी नहीं, ओनली फॉर द सोसाइटी, याद रहेगा? यस सर। कम्युनिटी सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, हेरिटेज, कंजर्वेशन, कम्युनिटी सपोर्ट, एक्स वाई जेड, ड्यूरिंग कैलामिटी, डिजास्टर, ये तुमने सुना रहेगा ना? अभी जैसे अपने इंडिया में भी वो बीच में जैसे उत्तराखंड में हुआ था, बाढ़ आ गई थी ना वो, अरे याद है क्या? वो केदारनाथ वाला मूवी देखा रहेगा ना? तो वो टाइम पे जब कोई पर्टिकुलर नेचुरल कैलामिटी हो गया, कुछ डिजास्टर आ गया, तो वो टाइम पे ये सारे कंपनीज सीएसआर एक्टिविटी करते हैं सर, रिलीफ एक्टिविटीज, सर खाना बांटते, हेल्थ, एजुकेशन, वो सब कुछ करते कि नहीं करते? करेक्ट है। एग्जाम्पल, अभी आपने सुना था क्या कोविड में भी सारे कंपनीज ने किया था? अरे रिलायंस वाले का जो हॉस्पिटल है ना, मुंबई वाला, मोटा भाई वाला अपना, उनका जो खुद का हॉस्पिटल है, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोविड के ट्रीटमेंट में ये सबके लिए दे दिया था। मतलब एज जनरल केस में वो पैसा लेते थे ना, आज उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी थी। अच्छा कोविड में तुमने सुना रहेगा कंपनीज उनके एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयज के रिलेटिव को फ्री वैक्सीन बांट रहे थे कि नहीं बांट रहे? सुना था कि नहीं सुना था?
तो क्या वो भी सब सीएसआर में आएगा कि नहीं आएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा आपने सुना रहेगा, समझो यूनिक एकेडमी ने एक 500 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली उनके एजुकेशन की, ठीक है, वो 500 से हम एग्जाम्पल में कोई पैसे नहीं ले रहे, उनको हम पढ़ाई करवा के दे रहे, तो क्या हमारी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप हुआ, हमने कुछ पैसा लिया गया, वी हैव डन समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी एज फार एज एजुकेशन हेल्थ और एक्स वाई जेड थिंग इज कंसर्न, करेक्ट है ना। अरे तुमने वो मूवी देखी थी ना वो, अरे वो बीच में अक्षय कुमार वाली टॉयलेट वाली मूवी कौन सी थी वो, क्या क्या नाम था उसका, टॉयलेट ही था क्या मूवी का नाम, अरे उसमें क्या था, वो गांव में जा जाके वो कंस्ट्रक्शन करते कि नहीं करते, अरे करते कि नहीं। अच्छा अभी गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्ट है वो, उसमें भी आपको आप सब्सिडी क्लेम कर सकते हो जब आप एप्लीकेशन कर दो, गवर्नमेंट खुद के पैसे से बना के देता है। तो वैसे बहुत सारे कंपनीज भी टाइप है जो ये सारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम कर रहे हैं। तो जनरली मुझे बोलो ये क्यों करना चाहिए, क्या गवर्नमेंट ने मैंडेटरी बोला इसके लिए करना चाहिए, वॉलेंटरी करना चाहिए, अच्छी बात है, दैट इज ऑल ओके रे, मुझे एक बात बोलो ये करना क्यों चाहिए। वेरी गुड, रेपुटेशन, गुडविल। अच्छा मुझे एक बात बोलो, रिलायंस ने कुछ अच्छा काम किया, टाटा ने कुछ अच्छा काम किया, टाटा का तो नाम भाई अजीम प्रेम जी मालूम है ना, विप्रो भाई साहब पर डे 22-23 करोड़ डोनेट किया, 22-23 करोड़ कितना पर डे मालूम है क्या तुमको, कि 27 करोड़ पर डे, ईयर नहीं, मंथ नहीं, वीक नहीं, पर डे कैसे किया वादा है, उनका टोटल ईयरली जो डोनेशन था ना वो आप डिवाइडेड बाय 365 करके देखो 27 आता है जनरली, मैं आपको बता दो, ये देखो उन्होंने देखो कितना पैसा दिया, 9713 करोड़ है ना, एक साल में उन्होंने 9713 करोड़ डोनेट किए, 9713 दिख रहा है क्या, इधर 27 करोड़ कितने रहते हैं गिनने में इश्यू हो जाएगा, वो डोनेट कर रहे हैं, सोचो उनकी इनकम गिन। अच्छा मुझे एक बात बोलो, ये सब करने से उनको क्या मिला रहेगा, कंपनी की एक रेपुटेशन क्रिएट हो गई, क्या गुडविल क्रिएट हो गई, सर मार्केट में ये कंपनी का अच्छा नाम होगा या बुरा नाम होगा, सर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर समझो कल चल के कंपनी से कुछ गलती हो जाए, कुछ प्रोडक्ट में या कंपनी के कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, समझो एग्जांपल आपने सुना रहेगा कि टाटा की कोई गाड़ी लॉन्च हो रही है, ठीक है ना, तो टाटा को गाड़ी को 6-6 महीना वेटिंग रहेगा, ठीक है, बट दूसरे कोई कंपनी की रेडी गाड़ी अवेलेबल है, स्टिल पीपल विल वेट फॉर टाटा, ऐसे भी एग्जांपल सुने रहेंगे ना, सर सेम टाइप में सेम रुपीज में यू आर गेटिंग न्यू कार ऑफ अनदर कंपनी, स्टिल पीपल आर नॉट बाइंग अदर्स, पीपल आर बाइंग टाटा, व्हाई, इट्स अ इंडियन ब्रांड फर्स्ट थिंग, सेकेंड सर रहेगा भाई टाटा ब्रांड से उनको किसी को लगाव रहेगा, नहीं सर ये गुड ब्रांड है, ऐसा होता है ना, रहता है कि नहीं रहता है, पर्सनल कनेक्शन टू अ पर्टिकुलर ब्रांड, सो वो कब बनता है, व्हेन यू डू गुड अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्क, आर यू क्लियर विद दिस, बेसिक चीज है, ये मत समझो कि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी बोला इसलिए करना है, नो 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 नो, सर गवर्नमेंट ने तो सिर्फ 2% के लिए मैंडेटरी बोला है प्रॉफिटेबिलिटी का, वो कैलकुलेशन वगैरह सब आपको सी एंटर में लॉ में आएगा, बट उससे ज्यादा भी करते हैं ना, ऐसा कोई लिमिट है क्या, जैसे मैंने आपको बोला 100 रुपए कल चल के जाओ उधर वो मंदिर के सामने किसी को दान करके आ जाओ, तो तुम एग्जैक्टली 100 ही रुपए दान कर रहे हो, क्यों, क्योंकि मैंने बोला है, और वही अगर वो चिंटी की जेब में 500 है वो 500 के 500 दे देती है, अलाउड कितना, मिनिमम कितना बोला था 100, शी इज डूइंग मोर वॉलेंटरीली ना, अरे अच्छा नाम उसका ही चाहेगा ना, गवर्नमेंट का कौन सा अच्छा नाम, अच्छा ये प्रमोशन भी करते हैं ना, बैनर विनर लगाते ना, अच्छा तुमने सुना रहेगा ना ये जो अपने रस्ते पे जो ये सर्कल रहते ना, सर्कल चौक वगैरह उसको डेकोरेशन वगैरह करते हैं, वो बैनर लगाते ना रीडेवलप बाय दिस कंपनी, ऐसा सुना है कि नहीं, अच्छा अरे तुम्हारे यहाँ पे ये भी तो देखा रहेगा कोई बस स्टॉप वगैरह, अच्छा अभी जो मेट्रो बन रहा है ना, मेट्रो के जितने भी स्टेशन है, मेट्रो के सारे स्टेशन को एक 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 स्टेशन को अलग अलग कंपनी को बेच दिया है नाम, तो अभी समझो रिलायंस का एक पर्टिकुलर एफसी रोड का जो स्टेशन है समझो उसको दे दिया, बानेर का समझो टाटा को दे दिया, तो वो जो पर्टिकुलर स्टेशन है वो उन्होंने पैसे से खरीदा हुआ, तो वो वहां पे जो एडवर्टाइजिंग करते दैट इज नॉट सीएसआर ना, ओए उन्होंने पैसा दिया ना उसका, वो जगह खरीदी यहाँ पे मुझे बैनर लगाना एडवर्टाइज करने के लिए, तो दैट इज नॉट सीएसआर, जो जनरली
वॉलेंटरीली कुछ अगर वो कर रहे हैं, दैट इज ओनली कंसिडर सीएसआर, समझा क्या? राइट, तुम अगर रस्तों पे देख रहे हो कोई रीडेवलपमेंट किया कोई पर्टिकुलर रोड का फ्रॉम ओन फंड, तो वो सीएसआर हुआ ना, करेक्ट है सर? नेक्स्ट, लीगल इथिकल एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, लीगल इथिकल एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव। मुझे एक बात बोलो, महाराष्ट्र में प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग बैन कल ही बताया मैंने। अगर समझो कोई पर्टिकुलर कंपनी कोई प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग करता है, बैग बनाने के, बैग बनाती है, गवर्नमेंट ने तो बोला नहीं बनाना है, तो आपने बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो क्या आप एनवायरमेंटल के ऑब्जेक्टिव का ध्यान रख रहे हो क्या? अगर आप नहीं बना रहे हो तो यू आर अचीविंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव? देखो ना, रिस्पेक्ट फॉर लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट, फेयर प्रैक्टिसेस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रूथफुल ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट यूसेज, डिस्पोजल, लोअर इमिशन, इफेक्टिव वेस्ट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, प्रिजर्वेशन ऑफ एयर वाटर सॉइल, ये सब में क्या था? पोल्यूशन नहीं कर रहे हो आप। नेक्स्ट इज लीगल ऑल कंप्लायंसेस कर रहे हो, जो भी लॉस बोला है आपको सारा एप्लीकेबल, ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री, आपने देखा रहेगा ना वो ब्रिक्स बनाते ना, ईट ईट ब्रिक्स, उसकी फैक्ट्री पे आपने देखा रहेगा, कभी बाहर जाओ आप, कभी हाईवे वगैरह साइड में आपको दिखती है फैक्ट्री, तो उधर ऊपर से धुआं निकलता है ना। अच्छा, अपने सिटी में भी अपनी नदी जाती है ना बीच में से, मुलामटा नदी चाहे वो, ठीक है, और वो नदी दिखती नहीं क्योंकि उधर पूरा वेस्टेज जा जाके खराब कर दिया ना उसको। अपने आसपास के अगर कोई किसी ने फैक्ट्री लगाई और उसके फैक्ट्री में जो वेस्टेज निकल रहा है वो अगर डायरेक्ट नदी में डाल रहा है, तो इज इट गुड या बैड? तो ठीक है सर, तो उसमें भी आपने देखा रहेगा ना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वगैरह के सर्टिफिकेट लगते हैं, तो क्या ये कंप्लायंसेस ऑफ लॉ हुआ कि नहीं हुआ? करेक्ट है? जस्ट अ सेकेंड, अभी आ रहा है भाई पर्टिकुलर एक बार चेक कर लो भाई, अभी चेक कर लो, साउंड बराबर है, आ रहा है? यस, ये बोल रहा है कि एलएनटी ने सर जो कंस्ट्रक्शन किया क्या वो सीएसआर है क्या? नो ना, पैसे लिए ना उसके, तो वो सीएसआर हुआ नहीं, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट क्या था भाई? चलेगा नेक्स्ट। अच्छा सर ये देखो ना, ये जैसे अजबा इंडियाज फर्स्ट सोशल एंटरप्राइज फोकस्ड ऑन वुमेन, सर आईटीसी होटल ग्रीनेस्ट होटल है, मतलब तुमने ग्रीन एनर्जी सुना रहेगा ना, पोल्यूशन नहीं कर रहे सर हम, सर हमारे जो प्रोडक्शन टेक्निक्स है वो 100% सर पोल्यूशन फ्री वाले, तो गुड कंपनी और बैड कंपनी, करेक्ट है? लेमन ट्री होटल क्या करता है पता है? प्रोवाइडिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। जनरली डिसेबिलिटी वाले लोगों को कोई जॉब नहीं देगा, जैसे कि किसी को सर सुनाई कम देता है या दिखता नहीं है या कुछ सर हैंडीकैप है एक्स वाई जेड, ऐसे हो सकते हैं ना स्पेशल कैटेगरी स्पेशल डिसेबिलिटी वाले, उनको जॉब अगर कोई नहीं देगा तो उनको फिर उनका घर कैसे चलेगा भाई? तो इन ये पर्टिकुलर लेमन ट्री होटल्स आपने सुना रहेगा ना, अपने पुणे में भी है लेमन ट्री स्टेशन के पास में, रेलवे स्टेशन, ऑल ओवर इंडिया इनके बड़े बड़े सिटीज में आपको ब्रांड दिख जाएंगे। तो क्या करते हैं वो लोग, तो
दे आर डूइंग अ गुड वर्क फॉर द सोसाइटी ना। अच्छा आपने सुना रहेगा कोई कोई, अरे होटल्स आपने देखे रहेगा जहां पे सिर्फ लेडीज काम करते हैं, जेंट्स को नहीं दिया उन्होंने, मतलब क्या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए स्पेसिफिक एरिया को, हो सकता है ना ऐसा। नेक्स्ट सर, हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या करता है, प्रोजेक्ट सक्सेस फॉर एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन, रूरल आज है वो बजट बचत गट वाले, सुना रहेगा ना तुमने, लेडीज वेडीज वो जो काम करते हैं, अब उनको गांव लेवल में कौन सी तो फैक्ट्री विक्ट्री बड़ी बड़ी रहेगा जो यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं रहेगा। और जैसे पुणे मुंबई में बड़े बड़े फैक्ट्रीज है कंपनीज है तो यहाँ पे हजार लोग आएंगे जॉब करने के लिए। आप समझ, तेरा गांव है समझो एकदम छोटा सा गांव है कोई, बहुत रिमोट एरिया में समझो मराठवाड़ा में कोई बहुत छोटा सा गांव है, वहां पे कोई फैक्ट्री विक्ट्री रहेगी क्या जॉब विप के लिए? तो यही छोटा मोटा घर में ही जो कार्यक्रम है, ये प्रोडक्ट बनाओ बेचो, ऐसे काम चलेंगे ना। सो दीज पीपल मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो ये उनको एम्पावर करने के लिए उनसे प्रोडक्ट बनवा के लेता है, इनके ब्रांड के अंडर बेचता है। ऐसे इससे क्या फायदा हो रहा है, जो रूरल एरिया के उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल रही कि नहीं मिल रही है, करेक्ट है ना। नेक्स्ट पॉइंट, द प्योरिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस सजेस्ट दैट बिजनेस मस्ट बी असेस्ड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ देयर इकोनॉमिक रिटर्न बट ऑल्सो देयर सोशल एंड इकोलॉजिक। सिर्फ कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है सिर्फ वो देखेंगे कंपनी के ग्रोथ के लिए, कि कंपनी बाकी ऑब्जेक्टिव भी कितने अच्छे से कंप्लीट कर रही है वो भी देखेंगे, सारी चीज देखेंगे, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अच्छी हो रहे कि नहीं देखेंगे कि नहीं। नेक्स्ट पार्ट, इन फैक्ट द ट्रेंड श्योरली इज टूवर्ड डेवलपमेंट ऑफ मोर होलिस्टिक एंड मोर बैलेंस मेजर ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस। We as a society should be aware and motivate the business which justify their purpose and conduct their business fairly. Correct? While caring for the community, society and environment in which they operate. Even though, अच्छा आपने सुना रहेगा ना, कंपनी जब भी कोई कंस्ट्रक्ट प्रोडक्शन कर रही है तो उसको रॉ मटेरियल कौन दे रहा है, सोसाइटी से आ रहा है ना, उसका कंपनी कैसे चल रहा है, सोसाइटी से चल रहा है। सर अगर एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आता है, सोसाइटी से आता है। अगर टाटा के कंपनी में काम करने के लिए एक भी आदमी नहीं है, टाटा कंपनी काम कर पाएगी? नो। अच्छा टाटा कंपनी समझो फर्नीचर बनाती है, फर्नीचर बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या लगेगा, वुड लगेगा ना, वुड कौन दे रहा है, सोसाइटी दे रही है। तो सर इनडायरेक्टली जो भी आपको मिल रहा है सोसाइटी से, यू विल हैव टू गिव रिटर्न टू देम ना, सिंपल करेक्ट है। इवन दो द ओनर्स हैज बीन हैमर्ड ऑन द बिजनेस टू बी अवेयर एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल, वी ऑल at our individual levels have to be aware and responsible towards ecological and social harmony. Correct? अच्छा आपने सुना रहेगा ना अभी आजकल वो global warming ये वो बहुत चल रहा है, glaciers पिघल रहे, सुना रहेगा ना ऐसा सब। तो धीरे 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 every country is working towards this, नहीं तो कभी ना कभी तो सर end हो जाएगा। आपने सुना रहेगा ना ऐसे studies बोल रहे कि 2048 2050 तक मुंबई डूब जाएगा, ऐसे news भी सुने रहेंगे तुमने, ठीक है। मतलब उनका क्या बोलना है कि सर जो समुद्र का लेवल है ना, जो पानी है वो धीरे धीरे अगर बढ़ते गया, सिटी तो एक जगह से फिक्स है ना। अरे जैसे तुमने गेटवे देखा है क्या, गेटवे ताज, ताज कॉर्नर पे है ना। अच्छा कल चल के अगर पानी का फ्लो ज्यादा हो गया है, फिर कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज हो गया, एंड ऑफ द डे क्या होगा, सिटी तो गई ना, करेक्ट। नेक्स्ट अभी ये लास्ट वाला फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कुछ बात करने की जरूरत है, ये हमने फर्स्ट डे पे देखा हुआ है, राइट, ये बेसिक वाला पार्ट है। डू यू वॉन्ट मी टू कंटिन्यू विद दिस लाइन बाय लाइन और कैन वी स्किप, आप बोलो जैसे आप बोलोगे वैसा, अदरवाइज वी कैन गो फॉर नेक्स्ट चैप्टर डायरेक्टली, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा सेंस सुनना, बीसी के चैप्टर नंबर 2 एंड बीसी के चैप्टर नंबर 6, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और ज्यादा मार्क्स वाले है, वी कैन डिवोट आर मोर टाइम टूवर्ड्स देयर, चलेगा? देखो मेरी बात को समझो, आई हैव गिवन यू अ टारगेट ऑफ अप्रैल एंड और मई फर्स्ट वीक टेंटेटिव, ठीक है, क्योंकि मेरा एवरी संडे और एवरी सैटरडे ऑफ है, ये तो मेरे वीक में सिर्फ 5 सेशन रहेंगे ये मंथ में, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ वी कैन फोकस ऑन मेजर पार्ट, और जो हमें आता है ये सारी चीज़ पता है, ये 11 12th लेवल पे भी पढ़ा हुआ है और पहले दिन हमने इसका रिविजन भी लिया था, राइट। एक 10 मिनट में फटाफट क्विक रिकैप कर ले वापस, चलेगा? अभी इधर आ जाओ, आपको रिकैप के लिए मैं बोलता हूँ। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप पहला है, सोल प्रोप्राइटरशिप सर फ्रीडम है आपको जेठालाल, फुल फ्रीडम, जो चाहे वो कर सकता है। सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल सर ये लिमिटेशन होगा, सर कंपनी में पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे लोग हैं जो कैपिटल ला सकते हैं, तो उनके लिए वो एडवांटेज, सोल प्रोप्राइटर के लिए डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि सर वो अकेला ही है जो बिजनेस चलाने वाला है, वही कैपिटल लाएगा, राइट। नेक्स्ट विजिबिलिटी ऑफ द ओनर एंड पर्सनलाइज सर्विसेस, सर हर एक कस्टमर से इंटरेक्ट कौन करेगा, प्रोप्राइटर खुद करेगा। नेक्स्ट सोल बियर ऑफ रिस्क,
कंपनी में कुछ भी रिस्क आ जाए कौन बियर करने वाला है? ओनर ना, सुपरवाइजर। अच्छा सर, इज देयर एनी शेयरिंग ऑफ रिस्क? पार्टनरशिप फॉर्म में है ना, एलएलपी में है सर। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये तो पता ही है ना। लाइबिलिटी का हमने पूरा डिटेल चार्ट बनाया था, एक बार बना लो, ये लिख लो लगे तो। सर लाइबिलिटी में लिमिटेड, अनलिमिटेड, लिमिटेड किधर किधर है, अनलिमिटेड किधर किधर है? अनलिमिटेड का पहला बच्चा बोलो, सोल प्रोप्राइटर बोलू। नेक्स्ट एचयूएफ में कौन है? करता। थर्ड कौन है? किधर किधर है? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के सारे पार्टनर्स ना, ठीक है। लिमिटेड किधर किधर आता है बोलो? एलएलपी मतलब ऑल पार्टनर्स के लिए क्या रहेगा? लिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट कंपनी। थर्ड एचयूएफ में कौन है और? को पार्टनर्स। एक मिनट किशोर, एक मिनट। बराबर है क्या? अरे दादा सब लोग साथ में हो ना, बराबर लिखा है मैंने? सर सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड है, एचयूएफ करता की अनलिमिटेड है, पार्टनरशिप की अनलिमिटेड है। मतलब सर इनकी पर्सनल लाइबिलिटी भी लेंगे ना आप, पर्सनल एसेट भी टच करेंगे ना? सर लिमिटेड में एलएलपी के ऑल पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर स्टेक, करेक्ट है? पर्सनल लाइफ, पर्सनल एसेट टच करेंगे? नो। कंपनी के ऑल द मेंबर्स, ऑल द शेयर होल्डर, दे आर लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, बराबर ना? सर नेक्स्ट एचयूएफ के को पार्टनर्स की भी लिमिटेड लाइबिलिटी है, बात खत्म, याद रहेगा भाई? लिख लिया क्या सबने? यस। राइट चलेगा, अभी इधर ध्यान देते, सुनो अभी हो गया लिख के, शुड आई गो अहेड? अरे रुको या जाऊ? चले चले। विजिबिलिटी हो गया, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो गया, फेट एज अ गोइंग कंसर्न। सर समझो कोई प्रोप्राइटर है, काम कर रहा था 10 साल से, एकदम से उसकी डेथ हो गई, धंधा बंद। सर कोई है क्या नेक्स्ट चलाने वाला? नहीं ना, तो गोइंग कंसर्न हिट हो सकता है ना कभी भी, क्योंकि सर अकेला आदमी है, कहां तक चलाएगा? सर खत्म। सक्सेशन ऑफ ओनरशिप, विल बना के छोड़ सकता है ना वो, क्या धंधा ट्रांसफर कर सकता है क्या टप्पू को? यस सर। नेक्स्ट करता, एचयूएफ में क्या क्या है? सर एचयूएफ देखो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट सारे लिखवा के दे देता हूं, ठीक है? मतलब क्विक रिकैप, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते, ठीक है? क्या मैंने ये टेबल पूरा कंप्लीट कर लिया सोल प्रोवाइडर का? मेरिट डेमेरिट क्या है? मेरिट मतलब एडवांटेज, लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेज, ठीक है ना? नेक्स्ट चीज सर ये देखो, ये देखो इन्होंने क्या बोला था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। सर बिजनेस ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट, आपको राइट्स एंड ड्यूटीज मिल रहे हैं। नेक्स्ट सर मे बी ओन जॉइंटली और सिंगली, सिंगल मतलब कौन? सोल प्रोवाइडर। जॉइंट में कौन कौन आएगा? एलएलपी, पार्टनरशिप, कंपनी, वो सब आएगा। नेक्स्ट सर बिजनेस में भी ऑर्गेनाइज एज अ प्रोप्राइटरी और कॉर्पोरेट कंसर्न, प्रोप्राइटरी मतलब प्रोप्राइटर, कॉर्पोरेट कंसर्न मतलब कौन से? कंपनी एंड एलएलपी, करेक्ट है ना? पार्टनरशिप फर्म को कॉर्पोरेट नहीं बोलते, मालूम है ना? ओए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर है वो कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में नहीं, उनको नहीं बोलते, ओनली कंपनी एंड एलएलपी, ठीक है ना? नेक्स्ट सोल प्रोप्राइटर हमने पूरा किया। सर फटाफट इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट, सर दिस इज द इजिएस्ट एंड अर्लीएस्ट फॉर्म। सर इसको इनकॉर्पोरेट करने को सबसे कम टाइम लगता है और सबसे कम पैसा लगता है क्या? अरे बोलो ना। यस। नेक्स्ट इज सर सोल प्रोप्राइटर इज देन रिगार्डेड एज इकोनॉमिक हीरो, वो जो बोलेगा वो होगा, उसके आगे कोई नहीं। नेक्स्ट सर 1% बैंड, सोल प्रोप्राइटर इज रिक्वायर्ड टू डू शेयर डिसीजन मेकिंग, एंटायर कंट्रोल ऑफ द बिजनेस उसके पास है। सर मेजरली सोल प्रोप्राइटर कौन से लेवल का बिजनेस कर रहा है? स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, कौन सा करेगा? सर अपने छोटा मोटा अपने स्टोर्स देखे रहेंगे ना, जहाँ पे भी जितने भी मार्केट में स्टोर है वो सब सोल प्रोप्राइटर ही रहेंगे, करेक्ट है ना? बड़े वॉल्यूम वाले तो कंपनीज रहेंगे ना भाई, ए दादा। नेक्स्ट सर बट मेजरली आप अगर देखोगे ये एमएसएमई वाले लोग ही सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में, अरे बड़े बड़े कंपनीज तो बहुत कम है ना, बिजनेस करने वाले सोल प्रोप्राइटर सबसे ज़्यादा है ना। अरे टोटल काउंट ऑफ बिजनेस समझो 5 है, 5 में से हार्डली 10-20% तुम्हारे कंपनीज है, कॉर्पोरेट्स है, रिमेनिंग 70% ऑलमोस्ट क्या है? एमएसएमई है ना,
माइक्रो स्मॉल मीडियम सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो सर इसके हाथ में क्या क्या हो रहा है? सर ये पीपल ट्रस्ट एंजॉय करता है, पर्सनलाइज सर्विस देता है, जैसा कस्टमर मांगा वैसा, राइट। नेक्स्ट सर अनऑर्गेनाइज्ड वे है ये। सर व्हाई इट इज कॉल्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड? कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते गए छोटा मोटा? अरे कंपनी किया तो इंडियन अपना कंपनीज एक्ट लगता है, पार्टनरशिप फॉर्म किया तो पार्टनरशिप एक्ट लगता है, एलएलपी किया तो एलएलपी एक्ट लगता है, वो पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन में जो भी बोला है फॉलो करना पड़ेगा ना। तो सर बट सोल प्रोप्राइटर को कोई पर्टिकुलर कोई एक्ट है क्या ऐसा जो फॉलो करना है? समझ रहे हो क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट सर नेक्स्ट सर यू वुड ऑब्जर्व दैट न्यूमेरिकली दीज एंटरप्राइजेस आर द लार्जेस्ट, नंबर ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स आर द लार्जेस्ट। मैंने अभी जस्ट बोला 70% प्लस कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन है? सोल प्रोप्राइटर। सर कलेक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट इज वेरी इंपैक्टफुल। सर समझो अभी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने, तुमने देखा रहेगा कि छोटे छोटे लोगों के लिए मुद्रा लोन लाया था क्या? अरे बोलो ना यस नो। मुद्रा लोन सुना था क्या? मुद्रा लोन में क्या बोला था? 10 लाख तक नो सिक्योरिटी और लोन मिल जाएगा। 5 लाख 1 लाख 10 लाख का लोन दिया था उन्होंने हर बैंक के थ्रू, तो वो किसके लिए दिया था? सर सुनना मेरी बात, अगर समझो इंडिया की पॉपुलेशन 100 है, क्या 100 लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दे सकता है क्या? अरे मेरी बात समझो, 100 इंडिया की पॉपुलेशन, क्या 100 के 100 को एम्प्लॉयमेंट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉसिबल है क्या गवर्नमेंट की? वो क्या बोलेगा, देखो भाई साहब मेरे पास 10 लोगों को जॉब देने के लिए मेरे पास पॉसिबिलिटी है, मेरे पास रेलवे है, मेरे पास अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसमें आपको दे दूंगा जॉब एम्प्लॉयमेंट, आर्मी नेवी वो सब जॉब ही है ना उधर भी। तो सर बट वॉट अबाउट 90? तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, काम करता है, आप बिजनेस सेटअप करो। अगर ये चिंटे ने बिजनेस सेटअप किया तो एटलीस्ट 10 लोगों को तो ये हायर करेगी एज अ स्टाफ बोल के ना। तो सर धीरे धीरे इसका बिजनेस चलते गया बढ़ते गया 10 से 50, 50 से 100, तो समझो इसका 5 साल में 100 एम्प्लॉय इसने हायर कर लिए। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो 100 को एम्प्लॉयमेंट देने की इसने कम की ना, समझ रहे हो क्या? सो शी इज इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट, करेक्ट है कि नहीं? अच्छा अभी गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है इसमें? एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट देने का काम नहीं, वो लोगों की पर कैपिटा इनकम भी जम गई, वो खाना पीना बराबर चल रहा है उनका, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट सर इसको मुझे हेल्प करना पड़ेगा ना बिजनेस करने के लिए, तब जाके वो 100 लोगों को जॉब दे पाएगी, तो इसको मैंने बिजनेस सेटअप के लिए मैं लोन देता हूँ इसको, तो इसको क्या फायदा हो गया? अभी समझो ये बोलती है कि सर मुझे जनरल स्टोर डालना है, ठीक है, जनरल स्टोर में मैं समझो सारे प्रोडक्ट बेचूंगी खाने पीने के, वो जैसे आपने सुना रहेगा ना मेडिकल टाइप छोटे वाले, तो ये बोल रही कि मैं चालू करती हूँ समझो, तो फायदा क्या हो गया? एटलीस्ट 2-3 तो लोग रखेगी ना जॉब पे, बट स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको फिक्स एसेट कुछ लगेगा, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, कोई फिनिश गुड्स खरीदने पड़ेंगे ट्रेडिंग के लिए, तो कुछ ना कुछ तो पैसा लगेगा, कहाँ से लगेगी वो? तो बेटर है ना, गवर्नमेंट बोल रहा है मैं देती हूँ ना तुझको, कितना लोन तो दे रही है, इंटरेस्ट भी ले रही है, बट सर विदाउट सिक्योरिटी दे रही है, तो वो भी तो फायदा ही हुआ ना। अच्छा इसका बिजनेस सेटअप हो गया तो गवर्नमेंट को क्या फायदा है? एम्प्लॉयमेंट अभी मुझे देने की जरूरत नहीं, ये चिंटी देगी ना। तो ऐसे अगर समझो 1 लाख लोगों को अगर गवर्नमेंट ने हेल्प कर दिया बिजनेस सेटअप करने में, तो सर 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, हर एक बंदा एटलीस्ट एवरेज 100 लोगों को भी जॉब दे दिया, तो सोचो किधर के किधर पहुंच जाएगा अपना, पॉसिबल है कि नहीं है? तो गवर्नमेंट इसी के लिए तो बिजनेस वालों को बूस्ट कर रही है ना। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस सुना है क्या तुमने? अरे इजी ऑफ डूइंग बिजनेस सुना है? ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस ऐसा कुछ सुना है क्या? इंडिया की रैंकिंग मोदी जी के आने के बाद बहुत बढ़ गई है रैंकिंग लेवल से, ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में ऐसा कुछ सुना है क्या? इंडिया का रैंक सर देखो, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंडिया रैंक 63rd रैंक, इन केस ऑफ डूइंग बिजनेस सर इंप्रूविंग इट्स रैंक, पहले कितना था 142 2014 में, मतलब समझ जाओ अभी मैं किधर हाईलाइट जा रहा हूं, ठीक है, पहले क्या था 140, वो टाइम पे कौन थे अभी कौन है सब समझ जाओ, ठीक है, मैं कोई यहाँ पे कोई पॉलिटिकल विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सर फैक्ट पढ़ रहा हूँ वो भी गूगल के ऊपर है, मैंने कोई मन से नहीं बोला है। तो भाई 142 से 63 आ गया। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या रहता है, पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको लाइसेंसेस लगते थे, ठीक है, हर एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट के ऑफिसेस जाके फिजिकली सब कुछ करना पड़ता था ना,
अभी वही सारी चीजें आप अभी कैसे करोगे? ऑनलाइन हो गया कि नहीं हुआ? अरे इजीली कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? आप जस्ट एक एप्लीकेशन भरो सर, कंपनी चालो। अच्छा आपने सुना रहेगा ना, कंपनी स्टार्ट करनी है तो आप जस्ट जाओ एमसीए के वेबसाइट पे और रजिस्ट्रेशन कर दो। आप आपकी कंपनी चालू कर सकते कि नहीं कर सकते? एलएलपी चालू कर सकते कि नहीं कर सकते? करेक्ट है ना? अच्छा ये सारी चीजें क्यों की इन्होंने? लाइसेंसेस सर, 15-15 अलग अलग लाइसेंसेस लेने की जरूरत थी। पहले पता है ना अलग अलग टैक्सेस थे, वैट अलग था, सर्विस टैक्स अलग था, सुना है ना, कस्टम एक्साइज ये वो, इतने सारे एलबीटी सब। क्या किया इन्होंने? कॉम्बो करके क्या बनाया? जीएसटी बनाया कि नहीं बनाया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एटलीस्ट बर्डन कम हो गया, हर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, एक एक्ट काम खत्म। करेक्ट है कि नहीं? तो क्या ये सब कुछ इजी ऑफ डूइंग बिजनेस है कि नहीं? मतलब बिजनेस पे ध्यान दो साहब, आप आपके ये बाकी डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंस रजिस्ट्रेशन में टेंशन मत लो, आप आपका बिजनेस पे ध्यान दो। तो क्या इससे इंडिया की ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? इकोनॉमी को हेल्प होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि सर बिजनेस करने वाले लोग इजीली धंधा चालू कर रहे हैं, आज सोचा कल से बिजनेस चालू। बट अगर ये चिंटी ने सोचा बिजनेस आज से चालू करना है, इसको 15 दिन तो मुझे सेटअप करने में लग गए, तो 15 दिन का तो लॉस हो गया ना सबका, चिंटी का भी हुआ, प्लस एम्प्लॉयमेंट भी लेट मिलेगी लोगों को, प्रोडक्शन भी लेट होगा, सारा चीज लेट चालू होगा ना। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है। तो क्या है ये सब इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा आज की डेट में कोई भी रजिस्ट्रेशन मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज ऑनलाइन होता है सर। जीएसटी में पहले आपको बता दो, ठीक है, दिस इज द फैक्ट, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स बता रहा हूँ। जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, पहले वैट और सर्विस टैक्स के होते थे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते थे ना आप, जो ऑफिसर के पास में गया वो, तो वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके आना पड़ता था। तो क्या हो सकता है वहां पे? हाँ परफेक्ट, मुझे कुछ रजिस्ट्रेशन चाहिए। अब मैं हूं नॉर्मल जनरल सिटीजन और ये सामने वाले समझो गवर्नमेंट वाले, अब मैं उनके पास जाऊंगा, बोलूंगा प्लीज ये मैंने एप्लीकेशन दिया है, रजिस्ट्रेशन दे दो मुझे। सब कुछ सही होते हुए भी कुछ तो भी चाय पानी अंडर द डेविल, सब बंद कर दिया भाई साहब, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर पे बैठ के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा मेल पे सर। बट उसने अगर नहीं दिया तो, अरे उसके ऊपर भी तो बैठा है ना कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर, अगर उसके पास एप्लीकेशन आया तो उसको क्वेरी भेजनी है, गलत है तो लिख क्यों तू रिजेक्ट कर रहा है। अगर सब सही है तो तुझे विद इन अ डे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, उनके ऊपर टाइम लिमिट लगा दी। पैसा खाना, पॉइंट नंबर टू, डायरेक्ट टैक्स सुना है तुमने? इनकम टैक्स सुना है? पहले इनकम टैक्स, अभी समझो तुम 50 लोग मिलके समझो इनकम टैक्स भर दिए, जैसे कि अभी अपने महेंद्र सिंह धोनी जी झारखंड के स्टेट के हाईएस्ट टैक्स पेयर है, मालूम है कि नहीं? मालूम, सिंस सो मेनी ईयर्स, रिटायरमेंट आके जमाना हो गया, तू भी अभी भी लीगेसी है। मुझे एक बात बोलो, अपने धोनी ने टैक्स भर दिया, समझ अभी एडवांस टैक्स भरा है उसने 30-32 करोड़ कुछ तो समझो, ठीक है, टैक्स भर दिया उसने, गवर्नमेंट के पास क्या अथॉरिटी है? वो जाके रेड मार सकती है ना, असेसमेंट कर सकती है कि बता तूने कैसे कैलकुलेट किया एक्स वाई जेड, उसको हैरेस कर सकती है, किसको? टैक्स पेयर को, फालतू में डिस्टर्बेंस। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, तुमको असेसमेंट निकालनी है ना, क्योंकि देखो ये चिंटी है, ये टैक्स पेयर है, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर अजय देवगन रेड वाला एग्जांपल, मैं चले गया, सेटलमेंट कर लिया, आ गया घर पे, गवर्नमेंट को कुछ मिला? पैसा मेरे जेब में आ गया, मैं खुश हूं। ये सब बंद करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ऑनलाइन ई असेसमेंट। ये दिख रहा है क्या इनकम टैक्स वेबसाइट, दिख रहा है क्या भाई? अरे बोलो ना, देखो आप इधर जैसे आपके इसमें लॉग इन करोगे, आपको यहीं पे डिटेल्स आ जाएंगे कि आपके ऊपर कोई नोटिस आई है क्या। तो आपको ऊपर अगर कोई नोटिस आया तो आपको रिप्लाई देना पड़ेगा, तो ये भी सब ऑनलाइन। उन्होंने बोला कि आपने कितना खर्चा क्लेम किया है, कितना इनकम है, टैक्स कैसे कैलकुलेट किया, सब बताओ। वो करते आपको पोर्टल पे डेटा पब्लिश, आप उसको कर देते रिप्लाई, काम खत्म। फिजिकल मैनुअल इंटरेक्शन आया क्या कुछ? अंडर द टेबल कब चलता है? एक दूसरे को देखेंगे नहीं तो आगे काम होंगे नहीं, सब ऑनलाइन वर्चुअल, ठीक है, मतलब अभी फेस टू फेस कुछ नहीं, सब कुछ वर्चुअल करो, मतलब ये असेसमेंट्स वगैरह, राइट ना?
समझ रहे ना? तो सब क्या ये सबसे बिजनेस को फायदा होगा कि नुकसान होगा? अरे फायदा ही हुआ ना बिजनेस वालों को, तो इजी ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया ना भाई। ठीक है ठीक है। आशुतोष वर्मा सर, मतलब आप भी रिश्वत लेते हो? अरे ढोकले मैंने एग्जाम्पल बोली रे, रिश्वत लेने की जरूरत नहीं अपने को। क्या अपना काम में क्या रिश्वत लेंगे हम? बाकी प्रैक्टिस में तो छोटा मोटा जो भी काम है वो तो करना ही पड़ेगा, मतलब फीस लेंगे ना उसकी हक से। और बोला भाई ये नोटिस आई है सर सॉल्व करके दो, लेंगे जो भी रहेगा, लाख दो लेना लेंगे, इसमें क्या है। सर साइन का पैसा लेंगे क्या? हाँ क्यों नहीं लेंगे, 5 साल वो साइन के लिए हमने रात दिन मेहनत की, इधर संडे को भी पढ़ाई की, छुट्टी को भी पढ़ाई किया, ठीक है ना। इतने लोगों के टॉन्स हमने सुने, पास फेल हम हुए, डिग्री हमने ली, कंट्री के पॉपुलेशन कितनी, 10,000 में से 2 CA हम है, पर पैसे नहीं कमाएंगे क्या? 5 साल किसके लिए वेस्ट किए? 5 साल में और कुछ कुछ बाकी भी कर सकते थे ना, वो सब छोड़ के क्या किए, पढ़ाई किए ना। तो साला उसके अभी आएगा कि नहीं रिटर्न? भाई सिंपल लॉजिक है ना, तुम FD करते तो बैच मांगते ना बैंक से, इन्वेस्टमेंट किया पैसा दे। हमने भी इन्वेस्टमेंट किया, पैसा नहीं दिए, हमने टाइम लगाया, तो भाई पैसा अभी फावड़ा लेके घूमते हम, मतलब जो आ रहा है निकालो ऐसा वाला का। ठीक है चलो नेक्स्ट। मतलब मैं चलो चलो चलो, द इम्पैक्ट इज इवन मोर कंसिडरेबल वेन वी टेक इन टू अकाउंट देयर इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन एज सप्लायर्स टू लार्जर एंड इवन मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस। सर रिलायंस को, टाटा को, अंबानी, अदानी, ये बड़े बड़े बिजनेस वाले इंटरनेशनल, ये क्या खुद के दम पे चल रहे हैं कि इनको भी रॉ मटेरियल कोई ना कोई देता रहेगा ना? तो रॉ मटेरियल कौन दे रहा है इनको भी? तो MSME वाले लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं ना, समझा गया? अभी टाटा की फैक्ट्री अपनी चाकन में, मालूम है चाकन में टाटा, वो अपने स्कोड़ा की भी फैक्ट्री है, स्कोड़ा सुना रहेगा ना, तो ये सबके प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं समझो तो वहां पे कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल लगता रहेगा, वो भी तो कोई छोटे मोटे अपने जैसे बिजनेस वाले दे रहे हैं। मतलब क्या इनडायरेक्टली ये कंपनी जो बड़ी बड़ी बन रही है, टाटा, अदानी, अंबानी वगैरह, ये क्या खुद के दम पे नहीं बनी है? इनको सर्विस प्रोवाइड किसने की है, रॉ मटेरियल किसने किया? MSME ने दिया, सोल प्रोप्राइटर। इनडायरेक्टली आपको अगर क्वेश्चन आता है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोल प्रोप्राइटर इन द इकोनॉमी, ये ऐसा ABCD वाइज ऑल ऑफ द वो समझ सकते हैं ना, कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट इज सर प्रॉब्लम क्या क्या है, ये देखो, वर्किंग कंडीशन आर वेरी पुअर, जो मन में आया वो करेगा। जेठालाल, जेठालाल का मन नहीं है, महीना भर धंधा बंद, तो बेचारा चुपचाप एम्प्लॉय को जाना पड़ेगा, कोई काम ही नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन है कुछ नहीं। सर हायर एंड फायर पॉलिसी है इनकी, हायर एंड फायर मतलब क्या, जरूरत पड़ी आ जा आ जा आ जा, प्लीज प्लीज काम कर देना यार, कर देना, जैसे काम हुआ काम, बराबर नहीं तेरा फायर, काम खत्म। रहते ऐसे बहुत लोग, हाँ कोविड में ऐसे बोल बोल के जयराम जी की किया लोगों को, किया ही ना, क्यों? क्योंकि सर वो बोल रहे हमारे पास ही इनकम नहीं, हम तुमको काम पे रखे। अच्छा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही हो रहा है आजकल, CPA सोल प्रोवाइडर को बोल रहे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं निकालते क्या? कंपनीज में एक साथ निकालते, एक साथ, आज हमने 10,000 कंपनी एम्प्लॉयज को निकाल दिया, अभी वो बीच में बायजूस, अनअकैडमी ने ऐसे निकाला था, बहुत लोग निकालते ना ऐसा, आज 5,000 एम्प्लॉयज को बाय बाय। अरे ऐसे कैसे बाय बाय, 5,000 लोगों को बाय बाय बोल रहे आप एक ईमेल पे, और लिख देते सो सॉरी दैट्स इट। अरे उसके तो लग गए ना, उसके घर वाले क्या करेंगे, पॉसिबल है कि नहीं? सुना है ना आपने ये सब। नेक्स्ट सर, दीज एंटरप्राइजेस आर बिलीव्ड इन हायर एंड फायर, देर इज अ लैक ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर, लैक सिस्टम इफिशियंटली इफेक्टिवली डील विद सोशल एनवायरमेंटल कंसर्न। सोल मतलब सिंगल, ये सर किसके बेसिस पे चल रहा है, पर्सनल सेविंग एंड एसेट्स के बेस में, दैट्स इट। सर ये जनरली माइक्रो फाइनेंस लेता है, बैंक से छोटे मोटे लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करता है ना भाई। नेक्स्ट सर, कैन बी कंसिडर्ड एज बिजनेस फैसिलिटेटर। सर ऑल द प्रॉफिट एंड द रिस्क बिलोंग्स टू द सोल प्रोप्राइटर, ये हमने पॉइंट्स पढ़ लिए ये सारे। HUF में क्या होगा, HUF एंजॉय सेपरेट लीगल एंटिटी, HUF कौन सी इनकम कमा सकती है, कोई बोलेगा क्या? ये तुमने पढ़ा है क्या, ये बुक में है, तुमने पढ़ा था ना वो पहले, फर्स्ट टाइम BCK हुआ है ना तुम्हारा, BCK। अच्छा
एचयूएफ कौन सी इनकम अलाउड है कमाना? देरा सुनो सुनो ये बात, तुम्हें पता नहीं कितना पता है, 2 मिनट ध्यान दो। 5 इनकम के हेड्स होते हैं, एक है सैलरी, एक है पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एक है आपका रेंटल, कमाते ना आप रेंटल वगैरह तो वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम रहता है। देर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। एक रहता है तुम्हारा अदर सोर्सेस, मतलब जिसमें आप आपकी इंटरेस्ट डिविडेंड वो सब इनकम लिखते हो। लास्ट में आता है आपका कैपिटल गेन, जिसमें आप आपके प्रॉपर्टीज खरीदना बेचना, मैंने अगर लैंड खरीदी थी, बिल्डिंग खरीदी थी 10 साल पहले 1 करोड़ में, आज बेच दी 2 करोड़ में, तो मुझे प्रॉफिट लगेगा, वो प्रॉफिट पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो दीज आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, इसमें से एचयूएफ कौन सा इनकम कमा सकता है? ये एमसीक्यूज है, ये तुमने आज तक पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा, ये आपकी सिलेबस का पार्ट है आपके। अभी मैं मॉडल में लाइन बाय लाइन पढ़ा देता हूं, सुनो। इसमें से कौन सी अलाउड है और कौन सी नॉट अलाउड है? सैलरी की इनकम नॉट अलाउड है, बाकी ये सब इनकम एचयूएफ कमा सकता है, याद रहेगा। ओए बहुत बेसिक चीज है भाई ये ऑनलाइन वालों सा, तुमको तो सब पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब लिखवा के दिया मैंने ओरिजिनल सेशंस में, सारा हुआ है, राइट। अच्छा मैं और एक बार बोल दूं, ध्यान से सुनना, मुझे कल ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स में से स्टूडेंट्स के मैसेज थे कि सर उनको कोई लेक्चर मिले, कौन से नहीं मिल रहे, पहले के देखने उनको, तो मेरी पूरी बैच वाले ओल्ड जो सिलेबस है, मतलब सॉरी ओल्ड रिकॉर्डिंग जो है, वो पूरी इकोनॉमिक बीसीके की पूरी अवेलेबल है ऑनलाइन में भी, मतलब किसी को अगर अपने हिसाब से कभी भी देखना रहे तो कोई भी चैप्टर जाके वो ओपन करके देख सकता है। सारे रिविजन भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, मैराथन भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप यूनिक एकेडमी के प्लेलिस्ट में चले जाओ यूट्यूब चैनल पे, आप जिस वहाँ पे ओपन करोगे तो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ वहाँ पे लेक्चर्स है पूरे सब्जेक्ट के, एज इट इज अवेलेबल है। तो किसी कोई पर्टिकुलर कोई कंसेप्ट में अगर कोई डिटेल देखना है तो वहाँ पे जाके देख सकता है, ठीक है। ऑनलाइन वालों तुमको तो सब पता है, ठीक है। हाँ मैं लिंक देता हूँ, हाँ ग्रुप पे डाल देना भाई, ये सॉरी अपने चैट बॉक्स में डाल देना। YouTube चैनल पे चले जाओ यूनिक अकेडमी, सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा सिलेबस। तुम सब लोग जेन्युइनली भूल गए हो या तुम्हें पढ़ाया नहीं गया है? अच्छा बट एटलीस्ट तुम्हें मॉड्यूल लाइन वाइन कवर हुआ है तुम्हारा? कौन से नोट्स? कुछ अलग नोट्स थे, ओके मतलब पूरा मॉडल कवर नहीं हुआ है आज तक, लाइन मेल नहीं हुआ है। मुझे लगा आपका मॉडल कवर हुआ है, फिर मुझे फिर वापस पूरा, फिर जो जो मैं सोच रहा था कि पॉइंट्स बोल के छोड़ दूं, मुझे फिर अगर आपका मॉडल कवर नहीं हुआ तो मुझे फिर मॉडल लाइन बाय लाइन लेने पड़ेगा, क्योंकि मॉडल के ऊपर कोई नहीं है। इफ यू आर नॉट डन विद मॉडल यू आर नॉट रेडी फॉर द एग्जाम, टू बी वेरी फ्रैंक, डोंट टेक मी अदरवाइज। एग्जाम कौन लेने वाला है? आईसीआई। वो कहाँ से लेगा? उसके स्टडी मॉडल से लेगा ना। यस यस, अरे तुम्हारा तो ऑलरेडी कवर हुआ है। अरे बाबा तुमको ऑनलाइन मैंने पढ़ाया है, तुम्हारी बुक मैंने लाइन बाय लाइन ही पूरा मॉडल पढ़ाया हुआ है। आई नो, ऑफलाइन वालों को पूछ रहा हूँ रे बाबा मैं। हाँ बीसी के ब्रह्मास्त्र भी, हाँ वो 6 डेज वाला 6 चैप्टर वो भी करवाया है, वो भी सीरीज अवेलेबल है, वो भी देख लो चलेगा। इनकम कैन कंसीडर एचयूएफ एज अ सेपरेट एंटिटी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर लेना ही पड़ेगा ऑप्शन, ठीक है। सर सेपरेट एंटिटी क्यों बोलते जाता है, कोई बोलेगा मेरे को? इनकम टैक्स एचयूएफ को सेपरेट एंटिटी क्यों मानता है, कोई बोलेगा क्या? मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी इसलिए सेपरेट एंटिटी, मतलब क्या? डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन? नो, सेड इज डिफरेंट, करेक्ट। और कुछ? सेपरेट एग्जिस्टेंस, करेक्ट। ये आपने सेपरेट लीगल एंटिटी नाम तो सुना रहेगा, ध्यान से देखना एक बार मेरी बात को समझो। आपने कभी खुद का, किस किस के पास में यहाँ पे पैन कार्ड है, पैन नंबर है खुद का, है ना?
कभी नाम देखा रहेगा, नहीं रहेगा तो तेरा नंबर है ना, तेरा नंबर मालूम है तेरे को, याद नहीं है, फोटो बेटो किधर लिखा हुआ है क्या? इधर ध्यान देना, पैन कितने डिजिट का रहता है? 15। वाह, जय बजरंग बली की जय। 10 डिजिट रहता झंडू माम। जीएसटी नंबर रहता 15 का। जीएसटी में 10 ऐसी डिजिट रहते हैं तुम्हारे पैन के, दो स्टेट कोड रहते हैं और बाद में 3 डिजिट क्रॉस चेक करा ले रहते हैं। भगवान बहुत कठिन है रे, बहुत कठिन है। तुम लोगों को मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। इधर ध्यान दो, 10 डिजिट है पैन के, पैन नंबर कैसे लिखते सुनो अभी, समझो EKTPS, ये मेरे 4 डिजिट है बीच में और लास्ट में जे, ये मेरा पैन नंबर है, मैं पूरा नहीं लिख सकता, लफड़ा हो जाएगा, ठीक है? सुनो अभी, समझो मैं इधर लिख देता हूँ 1111 एग्जाम्पल, समझो ये मेरा पैन नहीं है, ठीक है? अभी जिसको जो करने का, सर ये फोर्थ लेटर दिख रहा है क्या? ये फिफ्थ लेटर दिख रहा है क्या? फिफ्थ लेटर विल बी ऑलवेज योर सरनेम, चेक कर लेना ऑलवेज, और दिस विल शो योर स्टेटस। स्टेटस मतलब क्या? तुम्हारा पैन का स्टेटस मतलब तुम कौन हो। पी मतलब पर्सन है क्या? इंडिविजुअल है ये? सर कंपनी का पैन नंबर में कभी भी फोर्थ लेटर ए आएगा, ए आएगा, ठीक है ना? सर आप अगर देखोगे, सर आपने अगर देखा रहेगा, एफ आता है मतलब क्या है वो, राइट? पार्टनरशिप फर्म को एफ आता है, यस करेक्ट है? एचयू वाले को आता है एच, सेपरेट लीगल स्टेटस दिया हुआ है इसको। सर मतलब क्या बोलना चाहते हो आप, कर्ता का और को पार्टनर्स के सबके पैन अलग और एचयूएफ का पैन अलग क्या? यस सर। एचयूएफ के एसेट अलग, कर्ता के एसेट अलग अलग क्या? यस। एचयूएफ की लाइबिलिटीज अलग, कर्ता को पार्टनर्स के पर्सनल एसेट लाइबिलिटी अलग, यस ना? समझे कि नहीं समझे? दोनों अलग अलग है सर। कर्ता अगर वो खुद की 10 रुपए की प्रॉपर्टी एचयूएफ को बेच सकता है क्या? हाँ, बट कर्ता खुद की प्रॉपर्टी खुद को बेच सकता है क्या? अरे ढोकले एक जेब से 10 रुपए निकाले, दूसरे जेब में 10 रुपए डाल दिए, क्या ट्रांजैक्शन हुआ क्या? बट सर सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब एक आदमी अलग दूसरा आदमी अलग, तो उसमें सेल परचेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? करेक्ट है ना? यस ना। तो सर क्या एचयूएफ सेपरेट लीगल एंटिटी है या नहीं है? है ना। जॉइंट फैमिली विशेष टू रजिस्टर इटसेल्फ एज अ, ठीक है अभी वो जो मैं सोच रहा था स्किप कर सकते वो नहीं कर सकते, आई हैव टू कंटिन्यू, ठीक है? यस इधर ध्यान दो। अच्छा ए आनंद शर्मा तेरा पैन नंबर इधर मत लिख रहे, ए डिलीट कर। ए आशुतोष शर्मा इधर कुछ मत लिखो, कुछ कम ज्यादा हो गया मेरे नाम पे गाली मारोगे, ए डिलीट मारो रे। सब निकलता है तुम्हारा, पैन नंबर डालते ही सब डेटा वेटा सब निकल सकता है तुम्हारा, ठीक है ना? डेट ऑफ बर्थ नहीं मान रहेगा तो भी सब निकाल के देगा मैं, ठीक है? प्रैक्टिसिंग सीए रे बाबा, ऐसी गोटे नहीं खेल रहे हम। चलो पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईएफओएस, ये सारे आपके क्या है भाई? हाउस प्रॉपर्टी। ये टोटल देखो मैंने आपको अभी बताया, हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम, 5 में से कौन सा अलाउड? 4। कौन से नॉट अलाउड? देखो यही लिखा है क्या, पीजीबीपी व्हाट इज अलाउड? पीजीबीपी अलाउड, हाउस प्रॉपर्टी अलाउड, कैपिटल गेन अलाउड, आईएफओएस अलाउड, यस करेक्ट है क्या? एचयूएफ इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जॉइंट फैमिली दैट कंप्राइजेस, अदर सोर्स में बोला ना मैंने, डिविडेंड, इंटरेस्ट, तूने अभी एफडी किया, बैच की इनकम आई, तो वो क्या सैलरी इनकम है? नो। प्रॉपर्टी बेच के खाई? नहीं। बिजनेस किया? नहीं। कैपिटल गेन में एसेट बेचा तो आता है। अब मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी 1 करोड़ में 10 साल पहले, आज मैंने 10 करोड़ में बेची, 9 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, 9 करोड़ पे टैक्स भरना पड़ेगा, वो सब आपको डिटेल में सीए इंटर टैक्स में आएगा, ठीक है? तो ये 5 में से कौन सा अलाउड नहीं है? मुझे एक बात बोलो, सैलरी की इनकम इंडिविजुअल को आती है ना कभी भी, समझा क्या? अरे ये चिंटू या फिर चिंटी इंडिविजुअल लेवल पे जाके कंपनी में जॉब करेंगे तब जाके उसको सैलरी इनकम मिलेगी ना बाबा। सर कोई एचयूएफ, एचयूएफ सेपरेट लीगल एंटिटी, एचयूएफ कंप्राइजेस ऑफ ऑल, एचयूएफ जाके कोई जॉब करेगा क्या? समझा क्या लॉजिक?
इंडिविजुअल जॉब कर सकता है, इंडिविजुअल को सैलरी मिलती है, वेजेस मिलता है, एचयूएफ कैसे जाएगा रे बाबा। अच्छा सर तुम बोलेंगे एचयूएफ का जो करता है ना सर, वो जाता है और जॉब भी करता है और एचयूएफ का करता भी है, दोनों बिजनेस संभालता है, संभाल सकता है ना, अलाउड है ना। सर उसकी दो इनकम बुक्स के इनकम टैक्स रिटर्न में आएगी कि नहीं आएगी, एचयूएफ के थ्रू जो इनकम आई, एचयूएफ का है उसका, प्लस खुद पर्सनल लेवल पे जो सैलरी का इनकम कमाया वो भी आएगा ना। हे बाबा ध्यान दो रे, आएगा ना। चलो नेक्स्ट, एचयूएफ कैन नॉट अर्न इनकम फ्रॉम सैलरी, वी आर कंसर्न हियर विद द बिजनेस ओन बाय एचयूएफ और सिंपली स्टेटिंग एचयूएफ, मतलब इसको आपने सुना रहेगा ना, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। सर कौन से कास्ट इसमें कवर नहीं होते? मुस्लिम कवर्ड नहीं है, और क्रिश्चियन कवर्ड नहीं, और सुनो अभी, एचयूएफ कवर्स आप अगर देखोगे तो बुद्धिस्ट जैन सिख एज वेल, बट इधर एक पॉइंट लिखा नहीं है, उसमें जैन भी कवर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी बुक में लिखा नहीं, जैन इज ऑल्सो कवर्ड, ओनली आपको याद रखना है मुस्लिम उनका सेपरेट एक्ट है, अलग चीजें हैं, ठीक है, वो उनको कवर नहीं होता है, एचयूएफ उनको एप्लीकेबल नहीं है, क्रिश्चियंस भी नहीं, याद रहेगा। इस पे बहुत सारे एमसीक्यू है, मैं एक्चुअली गलत हो गया आपके है ना, मैंने 15-20 दिन सिर्फ एमसीक्यू लेने चाहिए थे, फिर आपके है ना एकदम पूरे हवा टाइट हो जाती थी, 5 आंसर नहीं आते थे आपको 100 में से, गारंटी अपनी, ठीक है, फिर आप इज्जत से पढ़ते थे। मैंने अभी भी, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने चैप्टर होने के बाद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुमने तो पढ़ा हुआ है ना, ठीक है, तो मैंने आपके सिर्फ एमसीक्यू टेस्ट लेने चाहिए लाइव में रोज, एक 4 दिन ले लेता हूँ, नहीं सबकी हवा टाइट हुई ना, फिर तुमको समझेगा वाई सी ए फाउंडेशन का रिजल्ट कम्स ओनली 30%, फिर सब सीरियसनेस आ जाएगा, ठीक है। चलो मजाक कर रहा था इधर। बिफोर वी डिस्क्राइब इट्स फीचर, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स, हर बैच में पूरा 2-2 बार पढ़ाने के बाद में हम एमसीक्यू लाइव सेशंस लेते हैं, यूट्यूब पे भी जाके देख लो, मेरे भी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज हम लेते रहते हैं एवरीडे, 40-50 क्वेश्चंस रोज, फिर आधी बातें समझ आते, अरे ये भी पॉइंट था, फिर बंदा बुक खोलता है, फिर पढ़ता है, अरे अच्छा अच्छा, फिर याद रहेगा, कसम से बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ 4 चीजें पढ़ ली इसका मतलब ये नहीं यू आर एलिजिबल फॉर सी ए फाउंडेशन, इसका ऐसा ही नहीं कि 30% रेशियो उन्होंने रखा है, अच्छा जरूरी है 30% पास होगा, अगले टाइम 25 भी पास हो सकते, फिर सर आज से ही डरा रहे हो बच्चों को, डराना पड़ेगा भाई, नहीं तो क्या है, चल रहा है चल रहा है, घर वालों को लग रहा है बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे को लग रहा है मैं भी जा रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, सुबह उठ के इधर आ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुबह शाम लेके दिन भर वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा तो पूरा आउटपुट वेस्ट है ना उसका। आप मुझे एक बात बोलो, क्या मुंह लेके जाओगे तुम तुम्हारे माँ बाप के पास में रिजल्ट के दिन? आज तक जिंदगी में कभी फेल नहीं हुए ना, क्योंकि 12 तक तो कोई बंदा फेल हो ही नहीं सकता। जस्ट इमेजिन करो खुद को, हाथ में तुम्हारे वो रिजल्ट है, माँ बाप सामने है, वो बोल रहे चेक कर, तुम्हारे सामने लैपटॉप है और तुम चेक कर रहे हो, सामने आता है फेल, एक सेकंड के लिए जस्ट रियलाइज कर सकते हो क्या, सोच सकते हो क्या विद इन अ मिनट के लिए? फट जाएगी लिटरली। बाकी तुम्हारी इच्छा, चल रहा है। इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू क्लैरिफाई अ फ्यू पॉइंट्स ऑन दिस मीटिंग, द मीनिंग बिकम्स क्लियरर विद रेफरेंस टू द प्रीवेलेंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, द वेरी एसेंस ऑफ एचयूएफ बिगिंस विद द फैमिली। फैमिली कैसे बनेगी? ऑब्वियसली शादी होगी, बच्चा होगा तब एचयूएफ बनेगा ना। अब तू शादी किया, इसके फैमिली में अभी 2 लोग हो गए, ये और इसकी चिंटी, एचयूएफ बनी गया? इसका छोटा वाला आना चाहिए भाई दुनिया में, तभी एचयूएफ बनती है, ये तो याद रहेगा ना। अच्छा सर एग्जांपल, अभी कुछ प्रॉब्लम्स है सर एक्सपायर्ड, ठीक है, तो सर क्या होगा फिर? हो सकता है एक्सेप्शनल केस में अलाउड है, ठीक है, देन एचयूएफ में वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है, बट जनरल केस में क्या है, जनरेशन आनी चाहिए नेक्स्ट वाली, तो एचयूएफ की बर्थ डेट क्या होती है? चलो नेक्स्ट जनरल क्वेश्चन, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा आज, सुनो अभी, तेरी बर्थ डेट क्या है? 8 जुलाई 2005, ये इसकी बर्थ डेट है। अभी तेरा पैन खोलना, पैन अप्लाई करते हो, इसको बर्थ डेट डालनी पड़ेगी, तो ये बर्थ डेट डालेगा जब इसका पैन कार्ड आएगा, तेरे पास पैन कार्ड है,
तेरा पैन कार्ड आज खोल के देखो, ऑनलाइन वालों सब लोग देखो, उसमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है। तो डेट ऑफ बर्थ किसकी रहती है? तुम जिस दिन पैदा हुए उस दिन ना, HUF की बर्थ डेट क्या होगी? जिस दिन तेरी शादी हुई, या जिस दिन तू पैदा हुआ, या जिस दिन तेरी भाई को पैदा हुई, या जिस दिन तेरा बच्चा पैदा हुआ, कब याद रहेगा? क्या याद रहेगा? HUF कब पैदा हुई? जब तेरे घर पे कोनी तरी है ना, वही है ना। मतलब क्या है? ये जब बाबा तुम्हारे आए छोटे वाले, ठीक है, जब वो दुनिया में आए तब तुम्हारा बन गया HUF। तो HUF का बर्थ डेट ऑलवेज रिमेम्बर क्या रहेगा? पहले बच्चा सर, दूसरे बच्चे का बर्थ डेट नहीं, पहले बच्चे का सर। पहले दिन, पहले टाइम पे दो हो गए, मतलब ट्विन हो गए, ठीक है, फराह खान तीन हो गए, डेट तो एक ही रहती ना भाई, ठीक है ना। सेकंड बच्चे का कोई लेन देन नहीं है सर, पहला वाला हुआ चलेगा, बाद में सर वो ऑफ और एक दूसरा हुआ, डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं होगी, पहले बच्चे की डेट ऑफ बर्थ रहेगी, याद रहेगा, ठीक है। ये बहुत प्रैक्टिकल वर्ल्ड की दुनिया की बातें कर रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। जस्ट बुक में जितना लिखा है बस, HUF हो गया, कोपासनर करता लाइबिलिटी है, हो गया, बोले पढ़ के आगे। उधर बाउंसर क्वेश्चन आता है, फिर वहां पे बोलते अरे सर CA बनना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, फिर सब आ जाते बैकफुट पे, फिर बोलते कौन सा दूसरा कोर्स है क्या। चलो इधर याद रहेगा HUF कब पैदा होता है? जिस दिन फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज HUF कैसे जानना है? फोर्थ लेटर ऑफ पैन, इज इट अ सेपरेट लीगल एंटिटी? यस सर। किसको किसको एप्लीकेबल नहीं है? सर बेबी गर्ल हुई तो, अरे बाबा मैं बोला क्या, लड़का या लड़की कुछ भी होने दो, पहला चाइल्ड बोला मैंने। झंडू बाम तेरे को लड़का लड़की से ज्यादा ही टेंशन है बाबा, तेरे को जो करना है कर, तू एट अ टाइम दोनों निकल, मतलब दोनों कर, दोनों दोनों निकल, मतलब दोनों कर भाई, मेरे को क्या है, ठीक है। अब जैसे हमारे मोदी सर की शादी हो गई, अपर सर की शादी हो गई है, हमारी हो गई है, अब मैंने तिपेश सर अभी भी बैचलर है, ठीक है, अभी हो जाएगा, पता नहीं अभी उनका क्या स्टेटस है, आई डोंट नो, कॉम्प्लिकेटेड है, सिंगल है या क्या है, आपको ज्यादा पता रहेगा, आपके मतलब नियर डियर आपको ज्यादा अपडेट रहेगा मे बी, तो क्या पूछना पड़ेगा ना। तो अभी समझो उन्होंने कल शादी कर ली, तो कल उनका HUF बन गया क्या? नहीं ना। अभी समझो उन्होंने दो साल में सब कर लिया, मतलब प्रमोशन कर लिया खुद का, तो जिस दिन भाई साहब आएंगे छोटे वाले, छोटा दीपेश आएगा अपना, तो उस दिन HUF बनेगा ना, ठीक है ना, ठीक है ना। बड़ा दीपेश कुछ नहीं कर सकता, जब तक छोटा दीपेश दुनिया में नहीं आएगा तब तक नहीं आएगा, बराबर ना, बोलना क्या, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, गुड क्वेश्चन। ये बोल रहा है सर बिना कार्यक्रम किए, शादी का कार्यक्रम किए अगर कोई हो गया सवारी, क्योंकि इसमें तुम्हारा शादी भी वैलिड होनी चाहिए, फिर आगे का वैलिड आता है, तुमने कुछ भी नहीं किया, बम्बल पे और डबल जल्दी एडवांस कर लिया तुमने, ठीक है, फैक्ट है ये, जेन्युइन क्वेश्चन है, रियल लाइफ में आजकल यही छोरा है, ये भी एज करने वाला है, इसलिए दिमाग में आ गया, पहले पूछ रहा है सर मैं पहले करने वाला हूं, मेरा क्या होगा। याद रहेगा कि भाई आज कुछ नया चीज समझे बहुत सारे, चलो गुड। अ फैमिली इज फॉर्म बाय मैरिज, फैमिली अकेले से नहीं होती है, सलमान खान की फैमिली नहीं है, खुद की बात कर रहा हूं मैं, उसकी फैमिली है, सलमान खान की खुद की फैमिली है क्या? खुद की फैमिली क्यों नहीं है? खुद की शादी नहीं हुई, ठीक है ना। राहुल गांधी की खुद की फैमिली है, खुद की शादी नहीं, उसकी उसकी बात कर रहा हूं मैं। सर 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 एक फैमिली में दो HUF हो सकते हैं क्या? क्वेश्चन क्या है मेरा? हाँ बोल, सुनो भाई सुनो सुनो सुनो, तुम लोगों को HUF में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है लग रहा मेरे को,
सुनो सुनो सुनो, अभी एक फैमिली है अपनी, ठीक है, अपनी फैमिली है, दादाजी बैठे ऊपर, दादी जी रहेंगे, उनका एक बेटा है, वो पप्पा जी है, पप्पा जी का एक बेटा है, पप्पा जी ने शादी की, उनका एक बेटा हुआ, अरे बाबा दादाजी का एक एचयूएफ रहेगा ना, और पप्पा जी का भी एक एचयूएफ रहेगा ना, और ये बेटे का एचयूएफ नहीं होगा क्योंकि भाई साहब का भाई साहब नहीं हुआ ना अभी तक, तो सर एक फैमिली में दो एचयूएफ है कि नहीं है? बहुत बीएमडब्ल्यू है तुम्हारे, बताइयो, हैप्पी रियलाइजेशन। वाइफ को इंक्लूड नहीं किए बिना कैसा एचयूएफ बनेगा? दादाजी का एचयूएफ है, दादाजी के एचयूएफ में कौन कौन है? उनके उनके एचयूएफ में उनकी, वो खुद है, उनकी वाइफ को है, ठीक है, उनको बच्चे है, ठीक है, अभी वो बच्चे ने खुद की एक शादी की, खुद का एक बच्चा किया, तो उसकी फैमिली बन गई, बच्चे की वाइफ और उसका बच्चे का बच्चा, तीन लोगों की फैमिली है ना, खुद का एचयूएफ बनाएगा ना वो, ठीक है, वो सब ये इनकम टैक्स पर्पस के लिए होता है, कभी सीए बनने के बाद बैठेंगे कभी महफिल, ठीक है ना, टैक्सेशन के लिए एचयूएफ बन, हाँ हाँ, बनाना है कि नहीं बनाना है ऑप्शनल है, बट 99.99% बनाएगा ही, ठीक है, इनकम टैक्स बेनिफिट 2.5 लाख वाला जो है ना मिनिमम पर एंटिटी जो पर पैन मिलता है वो मिलता है, इसके लिए किया जाता है। हाँ, वो उनके वो एचयूएफ के पार्ट बन गए फिर वो, ठीक है, वो भी उसके हाथ में, ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। अभी इसका बोलना है सर कि वो एक चिंटी थी, अपने घर की थी वो, तो वो अपने एचयूएफ की मेंबर है, को पार्टनर है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, और उसकी शादी हो गई वो चले गए एक्स वाई जेड फैमिली में, अब वो उधर जाने के बाद में जिसके साथ उसकी शादी हुई, ठीक है ना, उसके बाद में उसका बच्चा होने के बाद में उसके वो एचयूएफ बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो वो दो दो फैमिली में को पासना थोड़ी देंगे, वो बाद में इधर का उसको रिवोक करना है, आता आता अलाउड है, वो अथॉरिटी है, छोड़ देगी, इधर चले जाएगी, राइट, ऑप्शनल है वो, ऑप्शनल। फर्स्ट चाइल्ड रही तो क्या हुआ? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक जन दो दो इसमें रह सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, को पर्सनल बोल के रह सकते। हाँ बोल, हाँ कर, अलाउड है, अडॉप्ट में भी अलाउड है, अडॉप्ट किया ना तुमने, आता तुमच्याकडून होत नव्हतं तो तुम्ही अडॉप्ट केलं, अडॉप्ट किया ना तुमने तो अडॉप्ट किया तो होएगा ना भाई, हाँ, बर्थ डेट कैसा नहीं पता, ऐसा नहीं बोलने का, हाँ अडॉप्ट किया तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई भी जाके उठा के नहीं लेके आ सकता, अडॉप्शन की प्रोसेस रहती मालूम है ना? अरे बाबा समझो, अगर अडॉप्शन के केस में, मैंने आपको पहले दिन पूछा था ना ये क्वेश्चन, अडॉप्शन के केस में आपका एचयूएफ का मेंबर उसको बना सकते, वो को पार्टनर बन जाएगा, आप अडॉप्शन ऐसा कुछ नहीं, ए आज से तू मेरा बच्चा है, ए ऐसा नहीं रे, तू भाई साहब उसको नाम आता पता सब देना पड़ेगा, उसका प्रॉपर्टी का हिस्सा बन गया उसको, बराबर ना, ठीक है ना, प्रॉपर्टी का हिस्सा दे रहे उसको आप, उसको पूरा अच्छा भाई दे आपका पूरा सब डॉक्यूमेंटेशन होता है, कल चल के अगर वो भाई साहब उड़ गए तो उनके जितने भी लीगल वाले रहेंगे, जो उनके बायोलॉजिकल वाले या फिर वो जो अडॉप्टेड, सबको शेयर मिलेगा ना इक्वल, हाँ ऐसा कुछ नहीं रहता कि उठा लिया हो गया आज से मेरा, ठीक है, बर्थ डेट कौन सी आएगी तो उसमें जब उनका डॉक्यूमेंटेशन होगा तो उसकी भी तो बर्थ डेट रहेगी ना, तो फिर अभी समझो ये झंडू आम का क्वेश्चन ऐसा है कि सर मेरा बच्चा पैदा हो गया 1 जनवरी 2022 को, मैं 2 साल बाद में एचयूएफ फॉर्म कर सकता हूं ना, नहीं किया था मैंने पहले, बाद में किया तो क्या बैक डेट वाला उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगा के नहीं जोड़ सकता क्या? कर सकते ना, एचयूएफ के एप्लीकेशन के जब पैन अप्लाई करते तब सब लगाना पड़ता है, मैरिज सर्टिफिकेट, तुम्हारे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ करना पड़ेगा ना, कौन आया कैसे आया फिर आए, ठीक है, हाँ चलो वो तो कुल तू भाई पूछ ले आज, दादाजी का एचयूएफ है, हाँ फिर उसके दादाजी के बेटे मतलब, हाँ पप्पा जी ने शादी कर ली, हाँ हाँ दादाजी के पास ऑप्शन है क्या वाइफ को इंक्लूड करना है? कौन सी वाइफ? मतलब मम्मी को, ऐसा बोलना क्लियर, डर क्या रहा है बोलना, मतलब दादा दादी है इसका बोलना है सर उनको बेटा हुआ, मतलब वो पप्पा मम्मी, तो पप्पा मम्मी को मतलब मम्मी को एचयूएफ में इंक्लूड करना है कि नहीं, ये कंपल्सन है उनके हाथ में है, उनके ऑप्शनल लेवल पे, अभी कैसा है अगर उनको तो वो जनरली एचयूएफ में ऐड करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम, राइट, यस सर। मान लो पहला बच्चा हुआ और
वाईफाई मर गई, वाइफ ही मर गई, सॉरी वाइफ मर गई तो अरे वाइफ का स्पेलिंग में डब्ल्यू आई एफ ई आता है ना, डब्ल्यू एफ आई लिख रहा है, वाईफाई वाइफ मर गई तो क्या होगा एच एफ का, कुछ नहीं होगा, वाइफ गई तो गई, बच्चा पैदा हो गया एच एफ जिन दिन, फिर एच एफ को बंद करेंगे क्या, दूसरी कर लेगा वो, नहीं भी क्या तो भी वाइफ वो एच एफ जिंदा रहेगी, ए बाबा हाँ ये बोलता है दो दो शादी, अरे ढोकले इंडियन मैरिज में अलाउड है क्या दो शादी एट ए टाइम, पहली वाइफ मर गई दूसरी वाइफ ले ली तूने घर पे आ गई तेरे, दूसरी वाली आई ना उसको डायरेक्ट ऐड करना तेरे एचयूएफ में, क्योंकि तो उसका पहला वाले का तो आ गया था ना तेरा नन्ना मुन्ना, फिर तो एचयूएफ फॉर्म था, बात क्या था, नहीं नहीं एचयूएफ, अरे एग्जिस्टिंग एचयूएफ में उसको लेंगे ना अंदर, फिर बात क्या था, हाँ जैसा तू उसको तेरे मतलब का वैसा तू ले, राधिका शर्मा से सीएस प्रोफेशनल वालों को हार्ड कॉपी नोट्स दे रहे हो इन द फीस ऑफ सिग्नल, नहीं नहीं दैट इज ओनली फॉर सॉफ्ट कॉपी, ओनली इंक्लूड सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी इज नॉट इंक्लूडेड, यस सर बच्चा मर गया तो, अरे बोल दिया ना यार एच एफ जिंदा ही रहेगा रे बाबा, आशुतोष मनमा सर पटना में तो इतने सारे है तो देख के लाइन मार किसी पे, क्या क्या बोल रहे इधर, ए पारिवारिक माहौल रखो रे ए लेक्चर, बच्चे लोग टीवी पे भी देखते हैं, उनके माँ बाप आजू बाजू रहते हैं, मेरे को वीडियोस भेजते बाद में, क्या क्या करता कि हाँ हाँ वो आगे आगे कंटिन्यू हो जाएंगे, मतलब जो रिमेनिंग को पार्टनर्स है ना उसमें से एक जन कर्ता बन जाएगा, मतलब इसका बोलना है सर कर्ता की डेथ हो गई तो एचयूएफ का क्या होगा, तो एचयूएफ तो कंटिन्यू होगा ना, कर्ता कोई दूसरा बन जाएगा भाई, जनरली सर जनरली जो मतलब एज के हिसाब से बड़ा है वो ही रहेगा, बट उनको अगर किसी और को भी बनाना है तो बना सकते हैं, ठीक है ना चलेगा, अच्छा फीमेल कैन ऑल्सो बिकम कर्ता, ये सब चीजें पूछी थी ना मैंने फर्स्ट डे, चलो बाकी आज एक हैप्पी रियलाइजेशन हो गया, क्या लेवल है अपनी कैसी है, पहले दिन हो गया था क्या, एक दिन टेस्ट ले ही लेते, ठीक है मतलब जो मैं एक्सपेक्टेड है ना मेरा क्या है ना, मैं मतलब मैं प्रोफेशनल लेवल पे पढ़ाता हूँ सी एस फाइनल, ठीक है सी ए इंटर सी एम ए इंटर, वहाँ पे सबकी ऑलरेडी लगी पड़ी है तो उनको एक सेकंड भी टाइम नहीं है फालतू टाइम पास करने का, डिस्कशन करने का, आज मन है तो पढ़ना है आज मन नहीं है तो पढ़ना है, उनके वो दिमाग में है नहीं, उनके पास ऑप्शन नहीं है, जक मार के पढ़ते हो, ठीक है तुम्हारे पास अभी तुम एकदम नन्ना मुन्ना राही हो देश का ही सिपाही हो वो वाले टोन में हो आप अभी भी, इसलिए तुमको थोड़ा सा मे भी ऐसा जरूरी लग रहा है मेरे को, अरे राधिका यू विल गेट द अपडेट इन द ग्रुप दैट इज नॉट इट डिसाइडेड, यू कैन टेक्स्ट मी आई अपडेट यू, ठीक है हार्ड कॉपी नोट्स इज डिफरेंट, ठीक है नितेश कुमार सर ये एक चीज अच्छी पता चल गई जरूरी है बच्चा, हाँ बच्चा जरूरी है, बच्चे के बिना भी कर सकते हैं वो मतलब अलग प्रोसेस है उसका, ठीक है थ्री सक्सेसिव जनरेशन ये एक सबसे बड़ा एमसीक्यू आता है ध्यान रखना, थ्री सक्सेसिव जनरेशन मैंडेटरी है, थ्री सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एन एचयूएफ आर नोन एज एचयूएफ, जनरली दो द वर्ड हिंदू इज कॉन्स्पिशियस द डेफिनेशन ऑफ हिंदू इंक्लूड्स बुद्धिस्ट जैन, सॉरी इधर जैन लिखा था मैंने वापस लिखा सॉरी, जैन सिख एज वेल राइट, इसमें कौन कौन मुस्लिम और क्रिश्चियन वाले लोग अलाउड नहीं है राइट डन, अरे राधिका इट्स डिफरेंट फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यू प्लीज टेक्स्ट मी ना, विल डिस्कस देयर, ठीक है मैं दो तीन चीजें हैं राइट नाउ इट्स 12:40 माय नेक्स्ट क्लास इज एट 12:30 विल डिस्कस रिमेनिंग थिंग टुमारो डोंट वरी, जो भी अपने तीन चार पॉइंट बचे वो कल कर लेंगे ठीक है ना, ये सारा नॉलेज सिर्फ बुक से नहीं है प्रैक्टिकल वर्ल्ड की चीजें हैं जो हम करते हैं काम, ठीक है चलेगा डन बाय बाय गुड डे टेक केयर क्लोज डाउन द लिंक सी यू टुमारो।